राधे राधे सभी को, मैं हूँ रूपा पांडे और मैं अपने चैनल ब्यूटी विथ नेचर पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। आप लोग को मैं यहाँ पर अगेन थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे प्रेगनेंसी सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इस तरह से आप लोग का प्यार मुझे मिलता रहे। लेकिन जो भी सब्सक्राइबर नए आते मेरे चैनल में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ वीडियो में मेरे से गलती हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप, तो मैं सुधार करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मैं आप लोग को अपना यूट्यूब फैमिली मानती हूँ। मैं हक से वो मांग रही हूँ आप लोग से कि प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी जल्दी से मेरा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर दोनों को बढ़ा दे, इतना ही मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ। चलिए ऐसे तो अब मैं इस वीडियो पे आती हूँ। थंबनेल पढ़ करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेस कैश उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डर रहता है कि हमारे साथ लेबर रूम में क्या होने वाला है। जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, जिनकी सेकेंड होती है, तो बहुत चीज़ों से अवगत होते हैं, फिर भी सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत चीज़ हमारे लिए नया ही हो जाता है। भले हम कितने भी जानकार क्यों ना, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी के कारण हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। तो जो जो हमारी बहनें जो कि नई नई प्रेग्नेंट है, जिन्हें डर है कि हमारे साथ लेबर रूम में क्या होने वाला है, तो चलिए मैं इस बात को आप लोगों को बताती हूँ और आपके अंदर के डर को निकालती हूँ कि ताकि आप लोग पहले से इस बात के लिए प्रिपेयर हो, जिससे आप लोग को ज़्यादा घबराहट नहीं होगी और आप कोऑपरेट कर पाएंगे अपने डॉक्टर और अपने नर्स के साथ। सबसे पहले बात तो जब आपको पेन स्टार्ट होता है, तो जो पेन होता है, आप अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, जो पेन होता है वो हर किसी का पेन का जो टाइमिंग होता है एक जैसा नहीं होता। किसी के 8 घंटे तक पेन रहता है, 9 घंटे तक पेन रहता है। जो पेन होता है वो आप लोगों का कम नहीं होगा, रह रह के फिर उठता है, लेकिन वो पेन ख़त्म नहीं होने वाला। तो आप समझ रहे कि अब हमारा टाइम आ गया हॉस्पिटल जाने का, अपना बैग पैक कर लेना और हमें हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाना। तो सबसे पहले आप वहाँ जाएंगे, आप डॉक्टर या नर्स से आप बताएंगे कि मुझे इस तरह से पेन हो रहा है, जो कि पेन रुकने का नाम नहीं हो रहा। तो सबसे पहले वो आपको लेबर रूम में ले जाएंगे। लेबर रूम में ले जाके अगर आपको टॉयलेट आए, तो सबसे पहले आपको बोलेंगे कि आप जाके यूरिन करके आइए पहले। तो अगर आपको यूरिन लगा हो तो आपको यूरिन करके आने के लिए बोलेंगे। उसके बाद आपको लेटाएंगे। जो नर्स होती है वर्जाने में फिंगर डालती है, 2 फिंगर डालती है कि आपका कितना मुंह खुला है, ताकि आप वो बता सके कि नहीं, वो देखते कि कम मुंह खुला है, तो फिर वो आपको फिर बोलेंगे कि नहीं अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि 4th उंगली जानी चाहिए। तो समझे आपका पूरी तरीके से मुंह खुल गया है, वर्जाना का अब डिलीवरी आपकी नज़दीक आ गई है। लेकिन अब मुँह खुल रहा है मतलब धीरे धीरे और मुँह खुलेगा, देखते ही नहीं अभी मुँह कम ही खुला है। तो उसके बाद वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि अभी थोड़ा टाइम है, शाम तक तो आप लोग, या सुबह गए तो शाम तक, या शाम गए तो सुबह तक, क्योंकि उस टाइम लगता है मुंह खुलने में, जैसा जिसका जैसा होता है, जिस तरह से पेन स्टार्ट होता है सबका, उसी तरीके से डॉक्टर नर्स आपका चेक करके आपका बताएंगे। उसके बाद फिर वो जो आपकी वर्जन एरिया उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, जो वहाँ के जो हेयर होते हैं उन्हें क्लीन किया जाता है। तो आप लोग तो पहली बात डॉक्टर के पास जाए तो शर्म है, अपने घर पर ही छोड़ कर आएँ, क्योंकि बहुत चीज़ आपको फेस करना पड़ेगा और बहुत आपको वहाँ पर फ्रेंकली होना पड़ेगा अपने नर्स और डॉक्टर के साथ। कभी कभी तो मेल डॉक्टर भी होते हैं, बहुत जगह कम ही मेल डॉक्टर होते हैं, लेकिन मेल डॉक्टर होते हैं या फीमेल होते हैं, आपको दोनों के साथ कोऑपरेट करना ही होगा कि आपको जिस तरह से फील हो रहा, जो पेन हो रहा, जहाँ पेन हो रहा, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाके। उसके बाद आपको वर्जिनेरिया को क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, आपको एक दर्द, आपका दर्द और बढ़ने के लिए आपको एक इंजेक्शन लगाते हैं बैक में, फिर आपको स्लाइन भी आपको चढ़ा देंगे। उसके लिए भी आपको यहाँ पर चैनल लगाते हैं, उसका स्लाइन चढ़ाते हैं और आपको आपके रूम में जाके शिफ्ट कर देते हैं। और हर 15 घंटे 10-10 घंटे में डॉक्टर आके और नर्स आके, डॉक्टर नहीं अधिकतर नर्स ही आके आपकी जो चेक करती रहेंगे कि आपका वर्जन है कितना खुला है। तो आपको वो पेन तो होगा जब वो फिंगर डालेंगे, लेकिन आपको इसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और आप पहले से प्रिपेयर होंगे तो आपको दर्द तो होगा, लेकिन दर्द नहीं होगा। बहुत सा होता है कि लेवर पर कितना होगा, तो देखिए पेन सहने की शक्ति हमें इसलिए दी गई क्योंकि हम सह सकते हैं। इसी कारण से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो होना है सो होगा ही। तो आपको उस टाइम आप खुद ही हिम्मत आ जाएगा वो पेन सहने, क्योंकि आपको एक खुशी हो कि अब मेरा बच्चा मेरे हाथों में आने वाला, तो पेन कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा जब आपने अपने हाथ में अपने बच्चे को लेंगे।
हम नर्स आपको बताए तो आपको मैं पहले बताई, पुश करने का भी एक तरीका होता है, जब आपको पेन हो तब आपको पुश करना, जब आपको पेन ना हो तो आपको पुश नहीं करना। अगर पेन नहीं हो रहा और आप पुश करेंगे तो बच्चे के सर पे जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा बल पड़ेगा, तो इसलिए जब जब आपको क्या बोलते हैं पेन हो तभी आपको नीचे के साइड पुश करना, आपको साइड में आपको रोड या रो दिया रहेगा और आपको पुश करते रहना है। जब आपको पूरा नज़दीक आ जाएगा समय, जब आपका जो वाटर ब्रेक हो जाएगा उसके बाद ही आपको नर्स है जो कि लेबर रूम में आपको शिफ्ट करेगी, वरना जो आपके नॉर्मल रूम है उसी में आपको शिफ्ट करके आपको वो पुश करने के लिए कहेगी। जब जब आपको पेन आएगा आपको पुश करते रहना, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा लिखा है, जब जब आप पेन करेंगे पेन आएगा और आप पुश करेंगे आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। तो जब जब आपको पेन है आपको नीचे के साथ पुश करना, क्योंकि उसमें पुश करना सारी जितना भी आपको जितना कोऑपरेट आपने डॉक्टर और नर्स के साथ कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतने आपके जल्दी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी होंगे और आपके लिए अच्छा भी होगा। तो जैसे आपका वाटर ब्रेक होगा, मैंने कहा कि आपको डॉक्टर लेबर रूम के में ले जाएगी, फिर लेबर रूम में ले जाने के बाद आपको आपका नज़दीक आ जाएगा, आप पुश करेंगे और जैसे आप नीचे के समय पुश करेंगे हल्का सा भी डॉक्टर को या नर्स को आपका बच्चे बेबी का शर्ट दिखेगा जिससे आप लेबर रूम में आपको शिफ्ट किया दिखेगा। उसके बाद क्या करेंगे जो नर्स है उसके बाद देखेंगे कि सर बड़ा है, नहीं भी होता तो बहुत ही नॉर्मल है छोटा ऑपरेशन करना, तो वो क्या करेंगे आपके बढ़ जाने में नीचे के सामने का कट लगाएंगे ताकि बच्चा का जो शर हो आसानी से निकल जाए। आपका जो पेन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो कट आपको लगा दें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कैंची से वहाँ कट किया गया, बिना कोई एनेस्थीसिया दिए हुए आपको वहाँ कट किया जाता है, फिर कट करके वहाँ सिलाई भी की जाती है, आपको सब पता चलता है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते उतना आपको, क्योंकि वो जो लेबर का जो पेन होता है उस पेन के सामने वो पेन कुछ भी नहीं होता है। तो बस आप निकालेंगे उसका, फिर आपको क्लीन करेंगे डॉक्टर अच्छी तरीके से, और उसके बाद डॉक्टर चली जाएगी, नर्स आपको क्लीन करेंगे, जो वहाँ की जो स्टाफ होते हैं वो आपको आपको क्लीन करके आपको सबसे पहले आपका बेड देंगे, उसका फिर आपके बच्चे का वज़न चेक करेंगे, उसका बच्चे को क्लीन करेंगे और उसके बाद कुछ देर के बाद आपके बच्चे को भी आपके साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ा हवा नहीं लेबर रूम में, ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको एक जैसे आप फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा डर रहता है कि क्या हो गया, क्यों वो माहौल वो सब कुछ आपको देख के अजीब सी फीलिंग होने लगती है, अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि लेबर रूम में आप सिर्फ आप ही जाएंगे, आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर नहीं जाता। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है कि हस्बैंड को अलाउ किया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है, हमारे इंडिया में तो अधिकतर मैंने देखा बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी नहीं अलाउ करते ना हस्बैंड को ना कोई फैमिली मेम्बर को, वो आपकी जंग आपको खुद ही लड़नी होती है। तो आई होप आप लोग का थोड़ा सा दर्द कम हुआ होगा या जो डर है वो कम हुआ होगा। तो अगर छोटा सा ये वीडियो प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा हो, कि मेरी तबीयत बहुत दिन से ख़राब थी तो मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मेरी भी प्रेगनेंसी मेरी भी अप्स एंड डाउन अम्स बहुत चल रहे, तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ भी क्या हो रहा है, जिस तरीके से पेन हो रहा है उस चीज़ में आपको वीडियो बनाऊँगी, ताकि आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा तो आप लोग मेरे साथ मेरे तरह घबराए ना, उससे मैं भी घबरा रही हूँ। 7th मंथ मैंने कहा मैं चढ़ गया, बहुत पेन होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, छोटा सा प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बाय बाय, थैंक यू, लव यू। तबियत मेरी आवाज़ से तब सब कुछ देख रहे होंगे, तबियत मेरी ख़राब है, फिर भी मैं सोच रही हूँ मुझे वीडियो बनाना, क्योंकि मुझे देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड और सब कुछ देखें, मुझे बहुत नीड है अभी इसकी, तो इसी कारण जब जितना हल्का से मैं थोड़ा ठीक लगता तो मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू। आप लोग मेरी फैमिली, इसलिए मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। बाय बाय।